भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ढक्का आसरा आवासों में जन सुविधाओं का अभाव झेल रहे क्षेत्रवासियों के साथ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि महानगर में आसरा आवास योजना के अंतर्गत डूडा द्वारा ढक्का में आवास गरीबों को दिए गए थे, लेकिन उक्त आवासों में पीने का पानी नहीं है, खिड़कियों पर जाली दरवाजे नहीं हैं, शौचालयों से गटर में जाने वाले पाइप नहीं लगाए गए, किचन में सिंक भी नहीं लगाई गई है। इन जैसे कहीं आम जनमानस को होने वाली सुविधाओं से वंचित वहां के गरीब लोग आसरा आवासों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय से इनकी सुनवाई नहीं की जा रही। कई बार क्षेत्र के लोग अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं किया जा रहा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि आसरा आवासों में पीने के पानी, खिड़कियों पर दरवाजों, शौचालय आदि की सुविधाएं दी जाएं, सभी आवासों की पुताई कराई जाए, आवासों में आवागमन के लिए सड़क पर नालियों का निर्माण कराया जाए आदि। इन जैसी मांगों को लेकर आसरा आवासों में रहने वाले लोगों ने जिला अधिकारी से मांग की है। प्रियंका जी, आप किस संगठन से जुड़ी हुई? मैं समाज सेवा करती हूँ सर, और मैं चाहती हूँ जो गरीबों के लिए आवास मिले हुए हैं उनमें कोई सुविधाएं नहीं है, और दो चार बार ऐसे बच्चे गिरे हुए हैं चैम्बरों में से ऊपर जो कि उनकी जान खतरे में हुई है, और उन बच्चों को बचाया गया है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि सन 2016 में मकान मिले थे, जिससे कि आज तक कोई ना रोड ना पानी ना ही किसी चीज़ की व्यवस्था करी गई है। और हम लोग बार बार ये मतलब कहते हैं कि हमें ये पानी दो या रोड बनाओ, वो बस ये कह देते हैं कि हाँ आज मतलब एक महीना रुको या 15 दिन रुको, आपका काम हो जाएगा। और बार बार यही चीज़ कह कह के हमें समझाया जाता है, और हमें आज 4-5 साल हो गए ये चीज़ देखते हुए, अभी तक हमारा कोई काम पूरा नहीं हुआ। जिसमें कि ये लोग अभी नए मकान मिले हैं, इनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है, ना टाइल्स है, ना सिंक है, और ना गटर की व्यवस्था करी गई है। और इनसे कहा गया आप लोग जाके रहो, अब ये रहे मतलब आस पड़ोस वाले हैं वो हमें ताने देते हैं कि तुम लोग यहाँ पे आए हो, तुमने गंदगी फैला रखी है, अब हम किस किस की सुने ये बताओ। मतलब वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी जो कि ये लोग शांति से रह सकते।